लियोनिड रोगोजो एक ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने अपना खुद का ही ऑपरेशन किया था। दरअसल जब ये 1960 में अंटार्कटिका बेस में थे तब इनकी अपेंडिक्स फट गई थी और वहां पर इनके सिवाय दूसरा कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए इन्होंने खुद ही अपना ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के दौरान ये बीच बीच में कई बार बेहोश भी हुए थे, लेकिन अंत में इन्होंने सफलतापूर्वक अपना ऑपरेशन कर दिया था।